कानपुर से ही, यूपी से, और गाने का शौक बचपन से था। देन इंजीनियरिंग की, देन इंडियन आइडल में हुआ, देन मुंबई आया, एंड देन राधे राधे तक की जर्नी। तो ऐसा था मेरा ये मानना है रियलिटी शो को एग्जैक्ट लेके कि कुछ सिंगर्स के अंदर, या देखिए डांसिंग रियलिटी शोज भी होते हैं, एंटरटेनमेंट में हर तरह के होते हैं, सिंगिंग के भी होते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि मतलब कुछ लोगों को मैंने देखा है कि पहले वो जब रियलिटी शो में आते हैं और थोड़ा ऊपर तक पहुंच जाते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि मैं स्टार बन गया, लेकिन वो होता नहीं वैसे, क्योंकि आगे सरवाइव करना पड़ता है और बहुत सारा काम करना पड़ता है। तो ये कन्फ्यूज़न लेके ना चलें कि मैं रियलिटी शो में मैंने ये बेंचमार्क तक मैं पहुंच गया तो नाउ आई एम एवरीथिंग। आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, और यही कारण था कि मैंने फिर एक आध रियलिटी शो करने के बाद में 2012 के बाद में शायद मैंने फिर नहीं किया रियलिटी शो। प्रोफेशनल कि बहुत अच्छा गाता है, बहुत अच्छा गाता है, और फैमिली से बोलते थे कि इसको मुंबई भेजो, लेकिन वो चीज़ें हो नहीं पा रही थी क्योंकि थोड़ा सा यूपी में प्रॉब्लम है। जो हमारा कानपुर शहर है, मैं तो उसके बगल में फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट है और उसमें भी एक टाउन है भिंदकी, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। लेकिन जब मैंने इंजीनियरिंग की, बीटेक जब किया तो हम लोगों ने एक बैंड बनाया और कम से कम 10 से 15 इंजीनियरिंग कॉलेजेस पे हम लोगों ने कॉम्पिटिशन्स जीते। फिर उसके बाद में लगा कि हाँ यार मतलब कुछ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी यहीं तक चीज़ें थी। लेकिन जब इंडियन आइडल में सिलेक्शन हुआ तो उसके बाद में लगा कि नहीं आगे कुछ कर सकते हैं, और 1 से 1.5 साल का टाइम मुझे दिया गया कि आप मुंबई जाओ और देख लो किससे सीखना है, क्या करना है, देन इसके बाद में देखेंगे कि एमटेक कराना है तुम्हें, क्या करना है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, मैं 2010 में मुंबई आया। फिर रास्ते आर्टिस्ट को तो चांस मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और डिपेंड करता है कि वो आर्टिस्ट मेहनत कितनी करता है, हिम्मत ना हारे, वो लगा रहे रात दिन। और अगर सक्सेस हो भी जाता है या उसको थोड़ा सा नेम फेम मिल जाता है, या जैसे सिंगर की बात की जाए तो अगर 1-2 गाने बड़े हिट्स आ भी जाते हैं तो सरवाइव करने के लिए आप बराबर लोगों से मिलते रहें, बराबर रिकॉर्डिंग्स करते रहें, काम करते रहें, घर पे ना बैठे रहें, तो फिर वो गायब हो जाता है। तो मुंबई में तो थोड़े बहुत शोज मिल जाते थे तो उससे सर्वाइवल चलता रहा चलता रहा। देन 2012 में भी मेरा सिलेक्शन हुआ अगेन इंडियन आइडल में, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि मैं रिपीट हूँ या आगे तक नहीं जा सकता। पहले मैं नहीं कर पा रहा था, दूसरी बार चैनल का प्रॉब्लम। फिर इसके बाद में मैंने कभी रियलिटी शो में ना आने का अपने आप से वादा किया कि मैं रियलिटी शोज नहीं करूँगा, मैं अपना खुद का बैंड बनाऊँगा और शोज करूँगा, एंड प्लेबैक सिंगिंग जो मेरा मेन मुद्दा था मुंबई आने का कि मैं प्लेबैक सिंगर बनूँगा, तो मैं उसे में हमेशा लगा रहा। म्यूजिक लगता है कि अगर जो कुछ बड़े एक्टर्स हैं, अगर उनको किसी अच्छे सिंगर ने आवाज़ दी है और फिल्म अगर चल रही है लेकिन गाना भी चल रहा है किसी की आवाज़ से, तो थोड़ा बहुत क्रेडिट उनको भी जाना चाहिए कि हाँ मीन्स हर जगह बताना चाहिए कि इस बंदे ने ये गाना गाया है, जो कि थोड़ा सा कम होता है। तो जो राधे कई सालों से जानता हूँ और उन्होंने इतने बड़े बड़े शोज लिखे हैं, कॉमेडी सर्कस उन्होंने लिखा है, द कपिल शर्मा शो लिखा है उन्होंने। देन जब वो फिल्म्स में आए, उन्होंने पहली जो फिल्म लिखी, डायलॉग्स लिखे उसमें, वेलकम बैक, देन फ्रीकी अली, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की, देन संजू बाबा की भूमि, देन इसके बाद में अभी लास्ट जबरिया जोड़ी, देन अभी ड्रीम गर्ल आ गई। तो इसमें वो एज अ राइटर एंड डायरेक्टर भी हैं, तो एज अ डायरेक्टर उनकी पहली फिल्म है, तो रिलेशन इतना पुराना है कि वो हमेशा चाहते थे कि अमित का गाना आए मेरे साथ में या मैं कुछ करूँ। तो ट्राई उन्होंने बहुत किया, लेकिन कहते हैं ना कि इंडस्ट्री में ऐसी कितनी सारी चीज़ें होती हैं जो कहीं ना कहीं रुक जाती हैं, लेकिन जब उनके हाथ में ये बात आई और जब राधे राधे बना, और जो म्यूज़िक डायरेक्टर है मीत ग्रोस, उनके साथ में भी मैं 5 साल से मैंने काम किए हैं, काफ़ी जैमिंग की हैं, रिकॉर्डिंग्स की हैं, और लिरिक्स जिन्होंने लिखा है कुमार पाजी, वो तो हिट मशीन है, उन्होंने इतने बड़े बड़े हिट्स दिए हैं। तो ये जब कॉम्बो बना डायरेक्टर का, म्यूज़िक डायरेक्टर का एंड लिरिसिस्ट का, तब जाके कि हाँ आवाज़ भी अच्छी जा रही है, अच्छा सुर में गाना गाया गया है, वॉइस एक्टर को भी जा रही है, तो फिर ये गाना बना राधे राधे एंड मेरी ही वॉइस में फिर रिलीज हुआ। सर ऐसा कोई सिंग जब मैं बीटेक कर रहा था इंजीनियरिंग, तो उस टाइम पे मैंने कैलाश जी को बहुत फॉलो किया है। उस टाइम पे मैं बहुत सारे
कॉम्पिटिशन्स में जाता था एंड दो तीन गाने जो उनके थे, अल्लाह की बंदे, तेरी दीवानी एंड सही है, मैं बहुत गाता था। फिर तो फिर कहते हैं जर्नी, फिर जैसे जैसे आप आगे बढ़ने लगते हैं तो अपने आप को म्यूज़िक में और एक्सप्लोर करते हैं। तो फिर मैंने किशोर दा के भी गाने, रफ़ी साहब के, फिर के गाने हो गए, देन अभी अरिजीत हैं, तो फिर सबका मिक्सअप चलने लगा। लेकिन एक होता है ना कि पागलपन, तो इंजीनियरिंग में वैसे भी हम लोग गिटार लेके बैठ जाते थे और गाते थे तेरे दीवाने, अल्लाह के बंदे, ये सब गाने। कामयाबियों को छूते आपके पैरों को, लोगों की रुकावट जरूर बनी होंगी, लोगों कामयाबी छू रहे हैं आप तो लोगों की रुकावटें जरूर हो जाती हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सॉरी, आपके कदम कामयाबियों को छू रहे हैं, आप कानपुर से हैं, छोटे शहर से हैं, वहाँ पे लोगों को कम इस बारे में पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देने को कहा जाता है, आप यहाँ तक आए तो उनमें लोगों की रुकावटें बनी होंगी आपके प्रति, इस पर क्या? बहुत सारी, जब मैं मुंबई आया तो मुझसे बोला गया कि फैमिली बिजनेस है हमारा, तो बिजनेस करो देन, और या तो तुमने बीटेक किया है तो आगे उसको कंटिन्यू करो, एमटेक करो, जॉब करो। लेकिन अभी हो गया, अभी तुमने दो तीन साल हो गया तुमको, और अभी वापस आ जाओ। लेकिन मैंने बोला, फैमिली को समझाया कि टाइम लगता है, तो जो रुकता है उसी के साथ में होता है, किसी के साथ दो तीन साल में हो जाता है, किसी के साथ 5 साल में, और किसी के साथ 10 साल में। मुझे 9 से 10 साल हो गए और मैं काम कई साल से, 4-5 साल से बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। लेकिन एज अ प्लेबैक सिंगर मेरा ये सबसे बड़ा गाना आया है, और किसी किसी को ज़िंदगी भर लग जाता है कि उनको मौके ही नहीं मिलते हैं। तो आई ऑलवेज फील वेरी लकी कि कम से कम मुझे मौके मिलते रहे हैं, मेरे शोज़ बहुत अच्छे चलते रहे हैं और गाने आते रहे मेरे। और डिजिटल मीडिया में इतना ग्रो किया तो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के तौर पर क्या सर्वाइवल ईजी है, डिफ़िकल्ट है, या बॉलीवुड से सस्टेन करना ज़रूरी होता है किसी भी आर्टिस्ट को? ये बीच में अभी था, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट जो होता है वो प्लेटफॉर्म्स पे डिपेंड करता है। आज हमारे पास में यूट्यूब है, फेसबुक है, इतने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं कि आप अपने गाने बना के डाल सकते हैं। और आपको मैं नाम ऐसे नहीं बता सकता, लेकिन कितने ऐसे गाने हैं जो बहुत छोटे लेवल पे शूट किए गए हैं लेकिन वो वायरल हो गए और लोग स्टार बन गए। तो अगर आप में दम है तो अपने आप चीज़ को बाहर रखिए, पब्लिक के सामने रखिए, पब्लिक डिसाइड करेगी कि उसको वायरल कितना करना। और रही बात प्लेबैक की, तो जैसे मेरे लिए एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट होना, वो भी मैं उसमें भी लगा हूँ हमेशा, और एज अ बैंड मेरा इस्टेब्लिश होता चला जा रहा है और शोज़ बहुत हम लोग करते हैं। और बॉलीवुड की जहाँ बात है प्लेबैक की, तो गाने आने बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप एक सपना लेके आए मुंबई कि एज अ प्लेबैक सिंगर मैं काम करूँगा, तो लास्टली पूछना चाहूँगा कि क्या विजन है करियर को लेकर, किस तरह से अपने करियर को आगे देखते हैं, क्या प्लानिंग किया है, क्या एक अल्टीमेट जो गोल है आपका वो क्या है एज अ सिंगर? एज अ सिंगर तो मैं ये सोचता हूँ कि जल्दी जल्दी और भी गाने हैं, बहुत ज़्यादा ना आ पाए तो आते रहें, 6 महीने में या 1 साल में 1-2 बड़े गाने भी आ जाते हैं तो मेरे लिए बहुत है, क्योंकि हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, मेरा बैंड जो है पूरा। तो सर्वाइवल के लिए प्लस आगे बढ़ने के लिए साल में 1-2 हिट्स भी आते हैं मिनिमम, तो बहुत अच्छी बात है। वह कौन सा गाना था जिससे आपके करियर की शुरुआत हुई, आप उससे टूए लोगों की पहुँचे? कुछ गाने ऐसे रहे जो मैं कॉलेज टाइम पे बहुत गाता था और उनके बेस में मैंने फिर शो लाइन में एंट्री की और लोगों ने बहुत पसंद किया। तो मैं जस्ट मतलब तेरी दीवानी हो गया, अल्लाह के बंदे, देन चांद सिफारिश उस समय चलता था, लेकिन अभी नहीं गाते, वो काफ़ी अभी टाइम हो गया उसको। फिर आगे करते करते फिर कुछ और गाने आए, ज़रा से दिल में दे जाएगा जो के ने गाया था, और फिर इसके बाद में अभी रिसेंटली गाने मेरे रश्क कमर, देन राधे राधे। तो ये चेंजेस जो हैं वो वक्त के साथ में हमेशा बदलते रहते हैं। तो दो लाइन सुना दीजिए। जी जी, तो आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज़।